अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम लोग बनाने वाले हैं एक बिज़नेस कार्ड। तो बिज़नेस कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे फाइल पे, यहाँ से हम लोग न्यू पे चले जाएंगे। तो ये हमारे पास ओपन हो गया। हमें इसे इंचेस पे ही रखना है, 3.5 इसकी विड्थ रखनी है, फिर से इंचेस पे, हाइट इसकी 2, रेजोल्यूशन को 300 और कलर मोड को CMYK। तो इस तरीके से हमारे सामने ओपन हो जाएगा। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये रूलर आ जाएगा। रूलर में इसकी दोनों तरफ मैंने लगा दिए और इसके मैं एक सेंटर पे भी रूलर लगा दूंगा और एक ऊपर और एक नीचे। अब यहाँ से इमेज पे जाऊंगा, कैनवास साइज पे जाऊंगा, इसे भी इंचेस पे रख लेंगे। विड्थ इसकी जो है 3.5 है तो 7.5 रख लेंगे और इसे 2.25 ओके कर देंगे। अब यहाँ से रेक्टेंगुलर लेंगे और इसे 40 पे रखेंगे। यहाँ से हम लोग इसके बिल्कुल कोने से इसे करेंगे, यहाँ पर लाके इसे छोड़ देना है। तो इसका कलर जो है, हम लोग यहाँ से ग्रीन है तो हम लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग फिल पे जाएंगे तो इसका कलर हम लोग कोई भी रख सकते हैं। अब देखें आप किस तरीके का कलर चाहते हैं। मैं वाइट कलर का कलर इसमें फिल कर दूंगा, ये मेरे पास वाइट कलर में आ गया है। यहाँ से फिर से एक रेक्टेंगुलर बनाऊंगा। और इसका कलर जो है ग्रे रख लूँगा। अब मेरे पास इसका कलर ग्रे आ गया है। अब यहाँ से कंट्रोल टी इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करूँगा। आप जैसे चाहें अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा। अब यहाँ से हम लोग इसे ओके करके क्लिप मास्क कर देंगे। अब ये देखें, ये जो बाहर गया हुआ था हमारा रेक्टेंगुलर, वो इसके अंदर आ गया। अब एक और रेक्टेंगुलर बनाया, यहाँ से हम लोगों ने इसे इसकी जो शेप है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने यहाँ पे लिया था। इसकी जो शेप है हम लोग जैसे मर्जी चाहे रख सकते हैं। मैं इसकी शेप जो है थोड़ी सी चेंज करके इस तरीके से इसे यहाँ पे रख दूंगा। यहाँ पर मैं इसे भी क्लिप मास्क कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक लोगो है, मैं इस लोगो को यहाँ पे लाऊंगा ड्रैग करके कंट्रोल टी और इसे भी छोटा कर लूंगा। अब यहाँ मैं कीबोर्ड से भी इसे सेट कर सकता हूँ। इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर लूँ पहले, ओके कर दिया। अब ये देखें, मैं कीबोर्ड से भी इसे सेट कर सकता हूँ। यहाँ से एक और रेक्टेंगुलर बना लेता हूँ। कंट्रोल टी, इसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिज़ाइन देना है इसका, तो मैं ऑल्ट प्रेस करके एक इसकी डुप्लीकेट बना लूँगा। कंट्रोल टी, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करूँगा, मैं अपने लोगो के अंदर से इसका कलर ले लूँगा। यहाँ से मैंने अपने लोगो के अंदर से इसका कलर ले लिया। अब दूसरे वाले का भी कलर इसी तरह से मैं थोड़ा सा इससे चेंज रखूँगा ताकि दोनों अलग अलग नज़र आए, ओके कर दिया। अब ये भी हमारा बाहर जा रहा था तो इसे भी हम लोग यहाँ से अंदर ले आए। ये देखें,
ये थोड़ा सा मुझे टेढ़ा लग रहा है, तो मैं इसे क्या करूँगा, कंट्रोल टी थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। पीछे वाला थोड़ा सा इसका मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ, बस ओके हो गया। बस यहाँ से अब मैं टेक्स्ट लूँगा, आप इसका चाहें तो साइज़ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसे रख सकते हैं। मैंने इसे यहाँ पे रख लिया। ओके कर दिया। अब यहाँ से मैं इसे कीबोर्ड से थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, मैं एक और टेक्स्ट अप्लाई करूँगा, मेरे पास ये पहले से ही लिखे हैं, मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास पहले से ही लिखे हैं, तो मैं वही यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। इसका भी इसी तरीके से ही मैं साइज़ भी चेंज कर लूँगा, फॉन्ट भी चेंज करूँगा, और यहाँ पे मैंने इसे लगा लिए। अब यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं दो लाइंस और बना लूँगा यहाँ से रूलर से। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी सेट कर लूँ, अब मैं यहाँ पे अपना एक और टेक्स्ट अप्लाई करूँगा, यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, वैसे यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। इसका कलर जो है वाइट है, तो मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, मैं ब्लैक कर लेता हूँ। तो इसका फॉन्ट जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा लगाएं, मुझे ऐसा चाहिए तो मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ। यहाँ से इसका साइज़ मैंने 18 पे रखा है, कर लिए कंट्रोल टी और इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, साइज ज़्यादा बड़ा हो गया था। यहाँ से मैंने इसे बिल्कुल सेंटर पे रख लिए, और अब मैं इसे ओके कर लेता हूँ। इसका कलर जो है बिल्कुल ही ब्लैक ठीक नहीं लग रहा, तो मैं थोड़ा सा ग्रे कर लेता हूँ। बस यहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है। अब मैं यहाँ पे इसी तरीके से ही और भी टेक्स्ट अप्लाई कर लूँगा। इसका साइज 8 पे रख दिए। इसका कलर मैं ऊपर वाले कलर से थोड़ा सा और चेंज करूंगा। अब ये ऊपर वाले कलर से भी चेंज लग रहा है, यानी उसके साथ मैच नहीं कर रहा।
अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर में बनाऊँगा। इसका कलर में रेड रख रहा हूँ। अब ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसकी दो कॉपियाँ और बना ली हैं, तो इसे मैं बीच वाली लाइन के साथ लगा दूंगा ताकि ये आगे पीछे ना हो। यहाँ से मैं जा रहा हूँ शेप्स पे। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी शेप्स हैं, मुझे जो है यहाँ पे कॉल की मैसेज की, और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक कॉल की शेप बना लूँगा। मैंने एक शेप ले ली है लेकिन इसका कलर वाइट कर रहा हूँ। इसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। कंट्रोल टी प्रेस करके मैंने इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लिया। अब ये देखें इसका कलर जो है रेड हो गया। रेड क्यों हुआ? क्योंकि इसके लेयर जो है वो मैंने नीचे वाली लेयर के नीचे रख दिया था, तो इसे हमें ऊपर वाली लेयर पे रखना था, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैं जाऊंगा इसे चेंज कर लूँगा। पहले तो मैं एक होम का लगा लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना एक एड्रेस देना। इसका साइज छोटा कर लेते हैं। ओके कर लिया। अब इसे जो है अपनी सेकेंड नंबर की लेयर जो है उसके नीचे ले आऊंगा। मेरी इस लेयर के ऊपर आने के बाद जो ये नज़र आ रहा है, क्योंकि मेरी ये जो लेयर है ये सेकंड नंबर की लेयर थी। यहाँ से एक और मैंने ये ले लिए, ये मैंने ईमेल के लिए लिए। इसे मैं कीबोर्ड से जो है यहाँ पे लाया हूँ। यहाँ पे लाकर अपनी इस लेयर के ऊपर ले आता हूँ। जो हमारा कॉल का आइकन था वो सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैं ये वाला ले लेता हूँ। ये वाला ले लेता हूँ। इसका कलर वाइट करूँगा। कंट्रोल टी। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके करके इसे भी मैं कीबोर्ड से यहाँ पर ले आऊँगा। अब ये तो मेरे सेट हो गए हैं। अब इनके आगे इनका मैं टेक्स्ट लगा दूंगा। जैसे कॉल है, कॉल के आगे मैं नंबर दे देता हूँ। इसका साइज मैंने 8 पे रखा है और इसे भी
थोड़ा सा ग्रे कर लूँगा, यहाँ से इसका कलर ले लेता हूँ। ओके कर दिया। अब यहाँ से अपना एड्रेस भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और ये जो मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ये कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर रहा हूँ, इसकी शॉर्ट की है। और इसका भी फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। ओके कर दिया। इसका साइज़ बड़ा है तो इसका भी साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इसे भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी से। इसका भी फॉन्ट चेंज कर देते हैं। ओके कर दिया। कंट्रोल टी फिर से इसका भी साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इसे भी मैं कीबोर्ड से ही सेट कर लूँगा। अब यहाँ पर हमारा काफ़ी काम जो है वो ओके हो गया, लेकिन मैं इसके जो कुछ नंबर्स हैं उन्हें मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, ताकि हमारा कार्ड जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। सारे तो मैं नहीं करूँगा यहाँ से, मैं फर्स्ट के 4 डिजिट जो है वो रेड कर लेता हूँ। अब इनमें जितने भी नंबर है वो मैं हाईलाइट कर दूंगा। कलर से मैंने इन्हें हाईलाइट कर दिए। एड्रेस का भी मैं ऐसे ही करूंगा, इनमें भी जो नंबर है वो मैं हाईलाइट कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारी फ्रंट साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है कार्ड की। तो इसके रूलर जो है मैं हटा देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा कार्ड जो है कितना अच्छा लग रहा है। आप भी चाहें तो आप भी ऐसी सिंपल सा एक कार्ड बना सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता है कार्ड बनाना। आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी बैक साइड बनाऊँगा, तो बैक साइड बनाने से पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो पहले मैं इसे सेव कर लूँगा, क्योंकि मुझे फ्रंट साइड जो है पहले सेव कर लूँगा, तो मेरे पास ये एक सेव हो जाएगी। अब मैं इन सारों का ग्रुप बना लूँगा जो मुझे बैक साइड के लिए चाहिए होगा। मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे इसका लोगो ही चाहिए, बस लोगो, इसका नाम। यहाँ से मैंने इसका ग्रुप बना लिया। इसके नेम का और यहाँ से मैंने इसके लोगो का भी ग्रुप बना लिया।
कंट्रोल जी से आप इनका ग्रुप बना सकते हैं। मैं वापस से रूलर लगा रहा हूँ। अब ये जो बैकग्राउंड है मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा, मैं ऐसा ही ग्रे कलर कर दूंगा बैकग्राउंड पे भी। तो ये ग्रे कलर हमारा बैकग्राउंड पे आ गया है। और ये मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसे मैं डिलीट कर दूंगा, मुझे ये रखना है, इसे मैं हाइड कर दूंगा। इन दो रेक्टेंगुलर को तो मैंने हाइड कर दिया है, इसे मैंने ग्रुप में डाल दिया था, इसे मैं वाइट कर देता हूँ क्योंकि ये भी ग्रे था। यहाँ से ओके करने के बाद ग्रुप मैंने बंद कर दिया इसका। अब वो जो मुझे नहीं चाहिए था मैंने वो सब कुछ डिलीट कर दिया है। अब मेरे पास लोगो है, अब कंट्रोल अब यहाँ से इस लोगो को मैं बीच में रख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे सेंटर पर रख लिया। कंट्रोल टी से मैंने इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लिया। यहाँ से ओके कर देता हूँ। इसे मैं सेंटर में ले आऊँगा क्योंकि बिल्कुल ही ऊपर भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ से मैं एक और रेक्टेंगुलर बना लेता हूँ और हमारा जो कलर है उसे ग्रे कर देता हूँ। इन्हें भी मैं ऊपर ले आऊँगा। अब मैं यहाँ पे दो और रेक्टेंगुलर बना लूँगा और ये जो ऊपर जो मेरे पास रेक्टेंगुलर है इनमें से मैं सिर्फ और सिर्फ कलर ही लूँगा। तो यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसकी डुप्लीकेट भी बना ली है। यहाँ से मैंने इसका कलर ले लिया, दूसरे वाले का भी मैं कलर ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसे कीबोर्ड से यहाँ पर रख लिया है। इसे मैं पहले से क्लिप मास्क कर दूँ। अब वापस से डायरेक्ट सिलेक्शन पे अब मैंने इसे शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक किया और ये देखें मैं कीबोर्ड से इसे कर लेता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम मैंने यहाँ पे किया और 12 टाइम ही मैंने वहाँ पे किया। तो दोनों साइडें सेम हो गई हैं। अब मैंने इसे यहाँ पे कर लिया और इस पर अब मैं कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल ही लाऊंगा। क्योंकि ये बैक साइड है तो मेरे को यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें डालनी भी नहीं है। यहाँ पर
कॉन्टैक्ट आ गया है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। बेस के ऊपर आ गया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ओके कर दिया। अभी कॉन्टैक्ट से पहले इसे मैं लगा दूंगा। अब मैं यहाँ पे ईमेल लिख दूंगा क्योंकि मुझे इसके आगे ईमेल लगाने। ओके कर दिया। और इसे भी मैं पहले से ही थोड़ा सा सेट कर लूँ। अब यहाँ से मैंने ईमेल को कॉपी कर लिया। यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट हो गया। ओके कर लेता हूँ। कंट्रोल टी और इसे भी मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। ईमेल और कॉन्टैक्ट अस, इसे मैंने डार्क ब्लैक कर दिया ताकि हमारे उससे बिल्कुल अलग लगे। और हमारा यहाँ पर ये कार्ड भी रेडी हो ही चुका है, हमारे कार्ड की बैक साइड। इसका मैं रूलर हटाकर आपको दिखा देता हूँ कि हमारी जो बैक साइड थी वो भी बिल्कुल ओके रेडी हो चुकी है। इसे भी मैं सेव कर लूँगा अपने पास। यहाँ से आप देखें तो ये थोड़ा सा ऊपर है, बुरा नहीं लग रहा, लेकिन ये मैं इसे भी थोड़ा सा नीचे कर लूँगा। आप जैसे चाहे वैसा रख सकते हैं। इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, वहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ग्रुप बना अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ।